अमृतसर तो खबर आ रही है बीएसएफ ने हैरोइन के दो पैकेट बरामद करने का दावा किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फेंसिंग के रेड़ियों ये बरामदगी हुई है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए दसी जा रही है। सो हैरोइन का भार 1 किलो 50 ग्राम दसिया जा रहा है। सो अमृतसर सरहदी इलाका है जितों के सरहदी इलाके तो लगातार अजिहियां ही खबर सामने आउंदियां ने कि रोज़ाना की गिनती में फेंसिंग के नेड़ियों वड्डी गिणती च नशीला पदार्थ या हथियारों की बरामदगी होंदी है। सो 1 किलो तो ज़्यादा हैरोइन की बरामदगी हुई है। बीते दिन भी 500 करोड़ तो ज़्यादा की हैरोइन बरामद हुई सी। सो हुण खबर आ रही है कि 2 पैकेट हैरोइन के बरामद करने का दावा किया गया है। इस चीज़ की जाँच पुलिस कर रही है, बीएसएफ अलग कर रही है कि आखिरकार यह डिलीवर कितने की जानी सी, किहड़े सोर्सिस तो ये 2 पैकेट सुट्टे गए हैं। सो अमृतसर तो बीएसएफ नू कामयाबी मिली है, 1 किलो तो ज़्यादा नशीला पदार्थ हैरोइन की बरामदगी हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान यह बरामदगी का दावा किया गया। हालांकि इस तो पहला बीते दिन का जिक्र करिए 500 करोड़ रुपए की हैरोइन की बरामदगी हुई सी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 किलो 50 ग्राम इसकी कीमत दसी। परमवीर सिंह ओलख मेरे सहयोग इस खबर से ज़्यादा जानकारी दी सांझ पुण गए। परम होर इस खबर से अपडेट की? बिल्कुल कृष्ण, तुम देख ही रहे हो लगातार 2-3 दिन तो जो हैरोइन की खेप है वो फड़ी जा रही है। जेकर अभी अज की गल करिए, अब फिर 1 किलो 50 ग्राम हैरोइन जी है बरामद की गई है जिसकी कीमत 70 तो 75 लाख रुपए दसी जा रही है। लगातार वाढ़ी हो रही है तो कणक वर्गा ही जोड़ा पैकेट हों उसे रंग का जोड़ा पैकेट है दूसरे पास्यों आप पाकिस्तान वाले पास सुटिया जाता। तो जो सर्च ऑपरेशन जारी हों सवेरे ही दिन रात जो गश्त होंगी है तो हूँ एक स्पैशल तौर से बीएसएफ जी है सर्च ऑपरेशन चला रही है। जानने की कोशिश की जा रही भी ये चीज़ा कितों आदि ने क्योंकि ड्रोन घटनावां भी लगातार वध रही ने। सो इस लैके सर्च ऑपरेशन चलाया गया था जी। हूँ 1 किलो हैरोइन जी है वो बरामद की गई। बहुत शुक्रिया परम जानकारी देने।